लॉकडाउन में रोजगार से वंचित हजारीबाग के केरे डारी प्रखंड के किसान ने बंजर जमीन पर बुलंद हौसले की फसल उगाई है। जी हाँ, कहते हैं हौसले बुलंद हो तो बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाती है। ऐसा ही चमत्कार कर दिखाया केरे डारी का किसान गोपाल प्रसाद महतो ने, जो लॉकडाउन में घर पर पूरी तरह बेरोजगार हो गए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर फूल की खेती के बारे में जानकारी इकट्ठा की और बंजर जमीन पर बुलंद हौसले की ऐसी कुदाली चलाई कि आज वही बंजर जमीन खूबसूरत फूलों का बाग बन गया है। देखिए फूल के बाग की एक झलक। किसान गोपाल की माने तो इसी बंजर जमीन पर नक्सलियों की जन अदालत लगती थी, लेकिन अब ये खूबसूरत फूलों का बाग बन गया। रंग बिरंगे फूलों से आच्छादित इस बगीचे में कई तरह के प्रजातियों की फूल की खेती की गई, जिसकी मार्केट में भी डिमांड बढ़ती जा रही है। किसान गोपाल प्रसाद महतो के इस बेहतर पहल की लोग खूब सराहना कर रहे हैं। वहीं गांव के अन्य दूसरे किसानों के लिए गोपाल आज प्रेरणा स्रोत हो गए। बहरहाल गोपाल के मेहनत ने जिस बंजर भूमि को खूबसूरत फूलों का बाग बनाया है, उसमें सरकार की ओर से कृषि विभाग से कोई सहायता नहीं दी गई, लेकिन गोपाल का मानना है कि अगर सोलर संचालित पंप सेट सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे तो उन्हें पटवन में सुविधा होगी। गोपाल की पहल से न सिर्फ बंजर जमीन उपजाऊ बन गई, बल्कि गोपाल को एक नया रोजगार का जरिया भी मिल गया। आइए जानते हैं आखिर गोपाल ने बंजर जमीन पर हौसले की फसल कैसे उगाई। केरेडारी से रोहित गोस्वामी की खास रिपोर्ट। तरफ फूल ही फूल है, रंग बिरंगी फूल है, और ये जंगल बहुत पहले बहुत जंगल था। यहाँ पे जमीन तो हम लोग को रहती है, पर बहुत काफी दिनों से छूट गया था, खेती इसमें नहीं हो पाया था। तो मैंने सोचा कि ये लॉकडाउन अगली बार लगा, लॉकडाउन में हम लोग त्राही त्राही हो गए, कुछ खाने को भी नहीं मिल पाया, हम लोग तो बहुत गरीब किसान हैं। इसके साथ मैंने देखा यूट्यूब में कि मन बनाया कि मैं कैसे क्या करूं, तो यूट्यूब में देखा कि फूल का खेती करूं और एक ऐसा करूं कि जो गांव में और प्रखंड में कुछ कहे लोग कि हाँ खेती है, कुछ करने का जोग है। मैं उस तरह का खेती चूज किया और मैं किया, बहुत तरह का व्यवस्था किया। देखिए ये सब देख सकते हैं, इसमें बहुत कर्ज भी हो चुका है हमारा, पैसा कर्ज में लेकर के मैंने ये सब जो है कि प्लान ताम झाम बनाया, ग्रीन हाउस बनाया, इसका तरह तरह का मैंने व्यवस्था किया, प्लास्टिक और लेबर से मैंने कराया किया, अपने से भी बहुत श्रमदान करके किया। आज इस जगह को मैंने फूल ही फूल खिला दिया। यहाँ पर तो पहले बहुत कुछ सरकार और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सरकार और प्रशासन या प्रखंड विकास पदाधिकारी से मैं सीओ बीडीओ साहब से मैं हजूरी विनती करता हूं, अगर हमारा बात सुने वो लोग तो मैं आशा के साथ कहता हूं कि हमारा जो सोलर पंप है देना चाहते हैं तो दे सकते हैं हमको साधन, कुआं और तालाब। सरकार से मिलने वाली हर सुविधा अगर मिल जाए हमको तो बहुत अच्छा रहेगा गरीब को। मैं और सारे किसान को, अगल बगल जितने भी किसान हैं, उन लोगों को सब मैं आत्मनिर्भर मैं बनाऊंगा खेती से। तरह तरह का फूल मैं चूज करके उन लोगों को खेती करवाऊंगा। और मैं अभी और मेरा विश्वास है, मेरा और तमन्ना है कि मैं और भी तरह तरह का फूल, जैसे गुलाब फूल हो गया, गेंदा फूल हो गया, रात रानी हो गया, पटल का खेती हो गया, ये जो हम लोग का प्रखंड में नहीं है, जो प्रखंड में नहीं है, गाँव में नहीं है, मैं वैसा वैसा खेती चूज कर रहा हूँ और करूँगा। बंजर भूमि और कोरोना काल जैसे आपदा को अपने अवसर में बदला। जी जी, बहुत हमें बंजर भूमि में बहुत हमको मेहनत करना पड़ा और कोरोना से हमको बहुत मारे गए, हम लोग इतना त्राही त्राही हो गए कोरोना में कि कहना ही नहीं है। आप बहुत सारे धंधा किए, उसमें नुकसान ही नुकसान आया। जी जी, अर्थात आपने आपदा को अवसर में बदला। जी, आपका प्रेस मीडिया बंधुओं से मेरा आग्रह है कि आप सहयोग करें हमारा,
दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।